मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ हम अपने किसान भाइयों पर। आप इस स्ट्राइक, आपका धरना, आपका आंदोलन आज सरकार को, केंद्र सरकार को जीतना पड़ा। हम आग्रह करेंगे कि आप लोग ऐसे ही कभी भी ऐसा कानून आए तो आंदोलन करिए और कांग्रेस पार्टी का। किसान तो हमेशा पूरे देश की जनता को अन्न देने का काम करते हैं, क्या वो बेवकूफ थे जो समझा नहीं पाए? अब आपको किसान वापस आपको कानून लेना पड़ा, इसलिए ये कानून गलत था। और आप बता दें, चुनाव जब जब आता है तो आप कुछ न कुछ ऐसा ही काम करते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए ये कार्ड पीएम मोदी की तरफ से खेला गया है और इस 3 कृषि कानून को वापस लिया गया है। ये बातें कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही अजीत शर्मा ने इस 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने को लेकर इसे किसानों की जीत बताई है, राहुल गांधी की जीत बताई है और बताया है कि कैसे आगे भी अगर सरकार इस तरह के फैसले लेती है तो किसान प्रदर्शन करे, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ रहेगी। यानी कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 3 कृषि कानून को वापस लेने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इसे कार्ड के रूप में बताया है और बताया है कि किस तरह से चुनाव को देखते हुए ये फैसला पीएम मोदी ने लिया है ताकि वोट बैंक उनके पास चला जाए। इसके साथ ही आपको बताएं कि देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि वो किसान भाइयों को अपनी बात समझा नहीं पाए, उन्हें समझाने में जो है असफल रहे और इसीलिए इस 3 कृषि कानून को अब वो वापस लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत शर्मा ने ये कह दिया है कि क्या किसान भाई बेवकूफ थे? आप किसान भाइयों को क्या समझते हैं? जो किसान अन्नदाता है उसे आप अपनी बात समझा नहीं पाए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कुछ कहना है कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा का, किस तरह से पीएम मोदी को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी है, सुनवाते हैं। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाए, क्या कहना है? यह तो काला कानून था ही, 1 वर्ष से हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी पंजाब में पदयात्रा में और किसान कानून का विरोध कर रहे थे। आज तो जीत हुई है किसान भाइयों का, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का। आखिर ये काला कानून कोई भी सरकार लाएगा किसानों के खिलाफ में, उसे वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कानून की ज़रूरत नहीं है। आप कॉरपोरेट घराने को भरने का काम कर रहे हो, इसलिए यह काला कानून जो वापस लिया है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ हम अपने किसान भाइयों पर कि आपकी स्ट्राइक, आपका धरना, आपका आंदोलन आज सरकार को, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। हम आग्रह करेंगे कि आप लोग ऐसे ही कभी भी ऐसा कानून आए तो आंदोलन करिए और कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी, आदरणीय राहुल गांधी जी आपके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को हम समझा नहीं पाए इसलिए हम वापस ले रहे हैं। गलती ऐसा है कि कोई कानून बनता है, जिस दिन से बना उसी दिन से विरोध हो रहा है। किसान भाइयों को समझा नहीं पाइएगा, वो तो अन्नदाता हमारे हैं। किसान तो हमेशा पूरे देश की जनता को अन्न देने का काम करते हैं, क्या वो बेवकूफ़ थे जो समझा नहीं पाए? आपको किसान वापस आपको ये कानून लेना पड़ा, इसलिए कि ये कानून गलत था। और आप बता दें कि चुनाव जब जब आता है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ही काम करते हैं, कभी देश खतरे में है। आदरणीय इंदिरा गांधी जब थी और पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था, 2 फाक में टुकड़ा कर दिया था पाकिस्तान को, आप यह कह के जनता को गुमराह करके वोट लेते हैं। और आज किसान भाइयों का जो आंदोलन चल रहा था, आप 1 वर्ष तक ध्यान नहीं दिए। अभी आपको यूपी चुनाव और कोई चुनाव आता है तो उसके बाद आपको ध्यान लगता है, आप तो गलत काम कर ही रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, कम से कम जनता के ताकत पर आप वहां बैठे हैं, इसको याद रखें। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये फैसला लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बताया है कि चुनाव को देखते हुए ये जो गेम है वो उनकी तरफ से सेट किया गया है। इतना ही नहीं, इसे राहुल गांधी की जीत बताई गई है, किसानों की जीत बताई गई है और यह भी कहा गया है अजीत शर्मा की तरफ से कि आगे भी अगर प्रधानमंत्री इस तरह के गलत फैसले लेते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और देश की जनता के साथ राहुल गांधी हमेशा खड़े रहेंगे, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी और इस 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने को लेकर किसानों की सबसे बड़ी जीत बताई गई है, कांग्रेस पार्टी की जीत बताई गई है। और इन्हीं बातों के साथ अजीत शर्मा ने यह भी बताया है कि सिर्फ और सिर्फ
चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने यह फैसला लिया है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।